बिहार के दरभंगा जिला से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आज दरभंगा जिला के बंगलागढ़ में एक प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने की खबर आ रही है। भीषण आग लगने की खबर आ रही है। मौके पर हजारों की संख्या में जो आसपास के लोग हैं वहाँ मौजूद है और दमकल की गाड़ियाँ भी है जो आग को बुझाने में लगी हुई है। आपको बता दें कि प्लास्टिक के गोदाम जो लगभग आजकल जितने भी प्लास्टिक के सामान हैं इस गोदाम में बेचा करते थे जो गोदाम के मालिक हैं, और खासकर ऐसे तंग गलियों में ये दुकान है जिससे कि आग बुझाने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्लास्टिक के गोदाम में रखे सामान में आग लग गई है। मौके पर पहुंची है अग्निशमन की गाड़ियां जो लगातार आग बुझाने में लगी हुई है। बंगलागढ़ मोहल्ले में ये दुकान है, गोदाम है जहां पर यह आग लगने की खबर आ रही है, और आग इतना भीषण है कि इसकी लपटें जो है लगभग 10 फीट तक जा रही हैं, देख सकते हैं यहां पर। और सबसे बड़ी बात बता दें कि यहां पर जो मौजूद है जो ओम प्रकाश खेरिया है उनसे हम इंटरव्यू सुनाते हैं। यहां के जो लोकल स्थानीय हैं वो सभी यहां पर पहुंच चुके हैं और कैसे भी इस गोदाम की आग को काबू में किया जाए इसमें लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि लगभग लाखों के सामान का नुकसान हो सकता है ये गोदाम के मालिक को, क्योंकि इसमें विभिन्न तरह के प्लास्टिक के सामान रखा जाता था और यहीं से सप्लाई होता था। आइए विशेष कवरेज देखते हैं। सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। इससे पहले भी एक इलेक्ट्रिक के दुकान में ही यहां पर आग लग गया था। जो प्लास्टिक के बाल्टी डोंगा उसके भिन्न भिन्न सामानों का काम करते हैं उनकी दुकान है बाजार में, और ये दुकान गोदाम में एकाएक आग लगी है। कैसे लगी है ये कहना संभव नहीं है। मुझको सूचना मिली तब तक मोहल्ला के समाज के सारे लोगों ने जिनके बगल में समरसेबुल था ये चापाकल से बुताने का प्रयास किया। उसके बाद प्रशासन की दमकल भी पहुंच गई है, अब बुताने का प्रयास किया जा रहा है। आग बहुत भयानक है चूँकि पूरे गोदाम में प्लास्टिक का सामान भरा हुआ था, इसलिए चूँकि प्लास्टिक है ऊपर चढ़ रहा है इसलिए समय लग रहा, लेकिन जिस तरह फायर ब्रिगेड वगैरह पहुंच गई है तो लगता है कि जल्द कंट्रोल हो जाए। कह सकते हैं कि लाखों की सामान होगी, बेसी होगी, लाखों से बेसी। गोदाम बहुत बड़ी है, गोदाम वो छोटी गोदाम नहीं है, वो बड़ी गोदाम है। और सारे आजकल जो प्लास्टिक के सारे आइटम आ गए इनकी दुकान, यहाँ बंगलागढ़ नीम चौक पर भी है, एक बाजार में भी है। ये प्लास्टिक का काम अच्छा करते हैं, होलसेल का काम करते हैं, इसलिए माल तो बहुत ज्यादा ही नुकसान हुआ होगा। कितने का लगभग हुआ? अब ये तो करना उनसे मुलाकात, अभी तो वो भी सेंसलेस है। लाख से ऊपर का होगा, एक लाख वैसी होगा। कितने देर से इस पे प्रयास कर रहे हैं लोग? ये प्रयास कम से घंटों से तो हो गया, एक घंटा डेढ़ घंटा से, चूँकि समाज के लोगों ने अपना पूरी ताकत झोंकी है, लड़कों ने बहुत मेहनत की है तब जाके, नहीं तो जिस तरह आग लगी थी, और गोदाम है अगल बगल में जो घर थे उनमें भी आग लगने की संभावना थी। कहाँ पर ये आग लगी, कौन ये बंगलागढ़ मोहल्ला? ऊपर ऊपर